हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको ग्रब पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं, ग्रब को कैसे सिक्योर करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली ग्रब को हम सिक्योर इसलिए करते हैं कि कोई रूट का पासवर्ड ब्रेक ना कर पाए या कर्नल को कोई एडिट ना कर पाए, ग्रब मेनू में कोई चेंजेस ना कर पाए। अगर ग्रब पे पासवर्ड नहीं लगा होगा तो कोई भी आसानी से रूट का पासवर्ड ब्रेक कर सकता है। तो देखते हैं कि कैसे, अभी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं। जैसे सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ग्रब को मैं एडिट कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं ग्रब पे पासवर्ड लगा देता हूँ तो ग्रब को एडिट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ई प्रेस करता हूँ तो ये ऑप्शन मेरे सामने आ गया। ई प्रेस करता हूँ तो यहाँ चेंजेस कर सकता हूँ। स्केप करके बाहर आते हैं, सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और ग्रब को सिक्योर करते हैं। जब ग्रब को मैं सिक्योर करूँगा फिर उसके बाद एडिट करके देखते हैं कि एडिट होता है या नहीं। ओके, टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पर आप एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ग्रब हाइफन MD5 क्रिप्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो पासवर्ड आप जो देना चाहते हैं ग्रब को सिक्योर करने के लिए वो पासवर्ड देंगे। उसके बाद ये एक हैश वैल्यू जनरेट हो जाएगी। इस हैश वैल्यू को आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद vi/etc/boot then grub.conf, यानी grub.conf फाइल को आप एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए आप vi का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिडन मीनू या टाइटल, इसके बीच में आपको एक लाइन इंसर्ट करनी होगी, पासवर्ड स्पेस डबल हाइफन MD5 देन स्पेस, जो आपने वहाँ पासवर्ड की हैश वैल्यू थी उसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद आप इस फाइल को सेव कर देंगे, स्केप WQ शिफ्ट कॉलन एंटर प्रेस करेंगे। ये मैंने जो हैश वैल्यू जनरेट की थी वो grub.conf के अंदर स्टोर कर दी है, सेव कर दी है। अब सिस्टम को मैं दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ। दोबारा से रिस्टार्ट करने के बाद मैं इसको ई प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि यूज़ द एरो कीज़ टू सेलेक्ट विच एंट्री इज हाइलाइटेड, प्रेस एंटर टू बूट द सेलेक्टेड OS और P टू एंटर अ पासवर्ड टू अनलॉक द नेक्स्ट सेट ऑफ फीचर्स। तो यहाँ पर पासवर्ड लग गया है तो मैं ग्रब को एडिट नहीं कर पाऊँगा, ग्रब मीनू पे भी नहीं जा पाऊँगा। तो अगर आपको पासवर्ड पता है तो P प्रेस करिए, देन पासवर्ड डालिए, देन आप E प्रेस करिए, तब आप एडिट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे सिस्टम को, ग्रब को कैसे सिक्योर करते हैं। इस सेशन में मैं एंटर करता हूँ, दोबारा से लॉगिन करते हैं सिस्टम को। और जाके दोबारा से एक बार फिर से फाइल की लोकेशन में आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आप किस लोकेशन पे जाएंगे। राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, vi/boot/grub/grub.conf, ये फाइल है। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।